हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर राहुल कुमार में। और इस चैनल में आपको गवर्नमेंट जॉब की हॉल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी दोस्तों, जानकारी मिलेगी। तो आप जो चैनल में नए हुए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, पहले जाना है गूगल या क्रोम में और सर्च मारना है सरकारी रिजल्ट। क्या मारना है? सरकारी रिजल्ट। और सरकारी रिजल्ट सर्च मारने के बाद आपको अगर डेस्कटॉप साइट ना किए हो तो डेस्कटॉप साइट यहाँ से जाके कर ले। हम जैसे कर लिए दोस्तों, ठीक है। डेस्कटॉप साइट करने के बाद आपको इस तरह यहाँ फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, ये थर्ड लिंक है। थर्ड लिंक में क्या करना है दोस्तों, ये थर्ड लिंक में क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करते दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा दोस्तों, जहाँ आपको इस सब का इंटरफेस मिलेगा। तो क्या करना है आपको दोस्तों, लेटेस्ट जॉब ऑप्शन में जाना है। कहाँ जाना है? लेटेस्ट जॉब ऑप्शन। लेटेस्ट जॉब ऑप्शन मिला है, इसमें आना है। और सेकंड लिंक में लिखा है एस एस सी जी डी कॉन्स्टेबल जरूरी वैकेंसी, इसको क्या करना है, क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ दिया जा रहा है फॉर्म की कब से स्टार्ट हुआ है या कब सरकारी रिजल्ट आ चुका है, तो इसको नज़रअंदाज करते हुए नीचे जाना है दोस्तों। नीचे आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा दोस्तों, उसके बाद ऐसा मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को कितना कितना सेंटीमीटर है वो जानते हुए नीचे जाना है। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट साथ ही रखें दोस्तों। यहाँ जो मिल रहा है ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया गया है, तो आपको करना है अप्लाई ऑनलाइन दिया गया ऑप्शन और लिंक एक्टिवेट दिया गया है। क्या करना है, लिंक एक्टिवेट क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहाँ आपको गांधी जी छपल रहे नज़र आ गए, ठीक है। उसके बाद इधर लॉग इन का ऑप्शन मिलेगा, जो आप इसमें अगर न्यू यूजर हैं, अगर न्यू यूजर हैं तो आप, अगर पहले पुराने यूजर हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालिए और यहाँ जो पासवर्ड रखे हुए हैं वो डालिए और यहाँ ये कैप्चा इंटर कीजिए। उसके बाद लॉगिन कीजिए तो आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं रजिस्ट्रेशन किए हैं, मतलब न्यू बार एस एस सी में फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, नीचे आना है थोड़ा, जहाँ आपको को मिल रहा है क्या मिल रहा है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ। अगर न्यू यूजर है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं क्लिक करते दोस्तों, क्लिक किया जो हमारा ऐसा इंटरफेस खुला। ऐसा ऐसा इंटरफेस खुलता है दोस्तों। हम ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ तीन स्टेप में आपको भरना है। कितना स्टेप में? तीन स्टेप में दोस्तों, तीन स्टेप में यहाँ भरना है। कौन सा स्टेप है दोस्तों? बेसिक डिटेल्स, ठीक है, एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और यहाँ है फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स। ये तीन स्टेप में आपको फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। तो पहले आप बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद सेकंड लेवल खुलेगा, उसके बाद थर्ड लेवल, इस तरह करते हुए जाएंगे दोस्तों। हम नीचे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या डी यू, यहाँ आपको क्या करना है, पहले यस को यहाँ क्लिक करना है दोस्तों, एस को क्लिक करना है, ठीक है। एस को क्लिक करने के बाद यहाँ बोला है आईडी, आधार नंबर, आधार नंबर को यहाँ फिल करना है, ठीक है। जब आधार नंबर फिल करना है तो उसको फिर जो आधार नंबर है वही यहाँ क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ बोला है आईडी टाइप, उसको भी यहाँ टाइप करना। आईडी मतलब जो भी आपका यहाँ ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, तो आप इसी से क्लिक करके उसका यहाँ डाल सकते हैं, उसका नीचे आधार नंबर डाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारा देखिए ऑप्शन मिल रहा है पैन कार्ड, ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं दोस्तों, तो इसमें से कुछ भी हम क्लिक कर सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय गवर्नमेंट, पैन कार्ड, ये सब कुछ भी हम क्लिक कर सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद वही चीज़ यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे, यहाँ फिल करेंगे दोस्तों, जो वहाँ क्लिक करिए रहेंगे। फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है, आईडी नंबर हो गया, उसके बाद नीचे आना आप लोगों को नेम, नेम में आना दोस्तों, और अपना नेम यहाँ फिल करना है, और नेम फिल करने में गलती ना करें। फिर वेरीफाई नेम, फिर जो नेम फिल किए हैं वही नेम यहाँ फिलअप करना है दोस्तों। फिर आते हैं हैव यू यूवर चेंज नेम, आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर नो क्लिक करने रहने दीजिए, कुछ यह नहीं करना है। और फिर नीचे यहाँ क्या करना है, न्यू नी चेंज नेम कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ जो नाम पहले है वही डाल दीजिए दोस्तों, ठीक है। फिर फादर नेम यहाँ डालिए दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई फादर नेम, क्या है वेरीफाई फादर नेम, वेरीफाई करना है फादर नेम दोस्तों। उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, मदर्स नेम वेरीफाई करना है, उसके बाद वेरीफाई मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना है दोस्तों, और वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ डी, उसके बाद नीचे करना है स्क्रूल, उसके बाद नीचे मिला है नंबर 6, क्या है मॉडिफिकेशन ऑफ 10th क्लास एग्जाम डिटेल्स,
यहाँ से आप 10th क्लास के डिटेल्स जानना दोस्तों। 10th क्लास में क्या बोला, एजुकेशन बोर्ड आपका 10th क्लास में जो बोर्ड में कहाँ से किए हैं उसको लिखना है, तो आप चेक से हैं तो यहाँ चेक लिखेंगे दोस्त, ठीक है। उसके बाद लिखा है वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, वेरीफाई करना है वही से दोस्तों। फिर यहाँ क्या करना है, रोल नंबर फिल करा, 10th का रोल नंबर यहाँ फिल करना है दोस्तों। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ मिलेगा वेरीफाई रोल नंबर, ईयर्स ऑफ पासिंग, तो यह वेरीफाई आपको रोल नंबर 10th का करना है, ईयर्स ऑफ पासिंग यहाँ 10th का लिखना है, और वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग फिर यहाँ वेरीफाई करना है जब कब पास किए हैं 10th, वो भर फुल फिल करना है। फिर नीचे आना है आपको, यहाँ अगर फेमेल हो गए तो फेमेल चूज कीजिएगा, अगर मेल होंगे तो मेल को यहाँ चूज कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या करना है, वेरीफाई करना है जो होंगे वो चूज करना है, फिर नीचे घसकाना है इसको दोस्तों। अब यहाँ बोला है कि लेवल ऑफ एजुकेशन, क्या बोला है, लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये आप कितना लेवल तक, मतलब हाईएस्ट कितना तक पहुंच चुके हैं दोस्तों, तब जितना हाईएस्ट होंगे तो लेवल डाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ क्या करना है, मोबाइल नंबर, तो यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना है, और मोबाइल नंबर फिल करने में गलती ना करें दोस्तों, इसमें आपका मैसेज आएगा। फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर, फिर यहाँ वेरीफाई मोबाइल नंबर कर देना है। फिर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी दोस्तों सही डालना है, क्योंकि इसमें भी आपको नोटिफिकेशन मोबाइल नंबर से पहले मिल जाती है। अब क्या करना है, वेरीफाई रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी करना है, वेरीफाई रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है, फिर स्टेट, फिर यहाँ दोस्तों क्या लिखा हुआ है, स्टेट स्टेट प्रोमोट एड्रेस, आपको स्टेट का प्रोमोट एड्रेस डालना है कि कौन सा स्टेट में इसी करना है दोस्तों। आप क्लिक करेंगे उसमें क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आपको एक इंटरफेस मिलेगा दोस्तों, वहाँ आपको सबमिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, पहले चेक करने के दिया जाएगा कि आपका डिटेल्स सही है या नहीं। उसके बाद आप चेक करके आप सबमिट मार दीजिएगा दोस्तों, उसके बाद आपका सेकंड लिंक खुल जाएगा, और सेकंड लिंक खुलने के बाद आप वो भी फिल कर सकते दोस्तों। फिर हम आप मिलते हैं न्यू वीडियो में दोस्तों, फिर हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, फिर हम मिलते हैं न्यू वीडियो में।